नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों व बढ़ते अपराध के खिलाफ इसी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में उज्जैन में दिनांक 13 अगस्त 2024 को जंगी प्रदर्शन और घेराव किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में दिशा लोक न्यास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त प्रभारी चंद्र सिंह जी सोंधिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल और क्षेत्रीय विधायक दिनेश जैन बॉस की उपस्थिति में आयोजित हुई। कार्यक्रम के प्रारंभ में पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर कल्पना परुलेकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में पधारे जिला प्रभारी व जिला अध्यक्ष का साफा पहनाकर पुष्पमालाओं से स्वागत विधायक सहित तीनों ब्लॉक अध्यक्ष शहर अध्यक्ष ने किया। जिला प्रभारी चंद्र सिंह सोंधिया ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आमजन का आंदोलन है। आज भाजपा के शासन में हर वर्ग परेशान है। महितपुर विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा संख्या में उज्जैन पहुंचना है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल सिंह पटेल, विधायक दिनेश जैन बॉस, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणछोड़ त्रिवेदी, जिला कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष चैन सिंह चौधरी, पुजारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष शिव नारायण शर्मा, महितपुर ब्लॉक गजराज सिंह पवार, महितपुर रोड ब्लॉक अध्यक्ष भारत शर्मा, झारड़ा ब्लॉक अध्यक्ष कमल सिंह चौहान, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल अंजना, अनिल आंचलिया, युवा कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान, इनका नेत्री गौरी परुलेकर आदि ने आंदोलन को लेकर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अरुण बुरण ने किया। आभार शहर कांग्रेस अध्यक्ष सगीर बेग ने माना। बैठक में वरिष्ठ इष्ट कांग्रेस सज्जन जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण व कार्यकर्ता उपस्थित थे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज महितपुर की इस पावन धरा पर सर्वप्रथम मैं कल्पना जी के चरणों में नमन करता हूँ कि उन्होंने सिर्फ महितपुर की उज्जैन जिले की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश किसानों की आवाज बनकर उभरी है। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ। आज इस कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष आदरणीय कमल पटेल जी, आप सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिनेश जैन बोस साहब, विधायक जी, हमारे सभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब शर्मा जी, कमल सिंह जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, सेवा दल के हमारे अध्यक्ष जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष महेश जी, आजना साहब, सभी हमारे यहाँ पर आदरणीय हमारे त्रिवेदी साहब, सभी परिजन, सभी हमारे कांग्रेस परिवार के यहाँ पर मौजूद सम्मानित साथियों, हमारी बहन गौरी जी और यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI और सभी किसान भाई, सभी हमारे पार्षद साथी यहाँ उपस्थित, अगर जनपद सदस्य हो सभी, हाँ सभी सम्मानी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, 13 तारीख को जो आंदोलन होने जा रहा है उज्जैन में, वो आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी जब से विधानसभा के चुनाव हुए लगभग 8 महीने हो गए, नवंबर में साल भर हो जा रहे, 8-9 महीने हो गए, 9 महीने में जो नई सरकार बनी है मोहन यादव जी की, और उस सरकार जनता में जो उसका एक संदेश गया है, और खास करके उज्जैन जिले में जिस तरह से मध्य प्रदेश में अलग सरकार चल रही है और उज्जैन जिले में अलग सरकार चल रही है, भोपाल से जो सरकार चल रही है उसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं और उनके मंत्री हैं वो सरकार चला रहे हैं, और उज्जैन में उनके बड़े भाई नारायण दादा है, नाम सुना नारायण दादा, और उनका एक अलग मंत्रिमंडल है, 2 सरकारें यहाँ मध्य प्रदेश में चल रही है। क्योंकि उज्जैन की सरकार चल रही है वो लूट खसोट हफ्ता वसूली जितने भी दारू के ठेके हैं उनपे कब्जा करना, किसानों की जमीन पे कब्जा करना, कम पैसों में अधिग्रहण करना, जो करोड़ों की जमीन है वो लाखों में 2-2.5 लाख के बीघा में क्यों देगी। कुछ किसान आसपास के कुछ किसान लोग मिले थे हम लोगों से, जो उनकी महंगी जमीन है उन पर कब्जा करना,
जितने भी जुए सट्टे जो गलत गतिविधियां है वो सब संचालित करना और इस तरह की उगाही का काम, चाहे वो मिट्टी हो, रेती हो, मुरम हो, जो भी काम, ऐसा कोई काम नहीं है। खाली एक काम और बचा है। उज्जैन के कुछ लोग बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी, हमें ऐसा लग रहा है कि अब जो कोई लोग मर जाते हैं, मरने के बाद मुर्दे को जो जलाने ले जाते हैं शमशान में, तो वहां भी हो सकता है इनका परिवार का कोई आदमी खड़ा हो जाए टैक्स वाले ना चालू कर दे, जगह और बची। इस तरह से सारी मर्यादाएं, राजनीति की जो एक परंपरा रहती है, सब तोड़ दी, सब ध्वस्त कर दी। और इस सरकार में नौजवान परेशान है, युवाओं को नौकरियां मिलना मामा ने व्यापम से खत्म कर दिया। व्यापम कांड हुए, नीट के पटवारी घोटाला, पेपर लीक, युवाओं का भविष्य, चाहे किसान के बेटे बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं। हम समझते हैं किसान कैसे अपने बच्चों को उज्जैन, इंदौर, दिल्ली, भोपाल, जहाँ जिसकी क्षमता है बड़ी मुश्किल से पढ़ाता है, और दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी चश्मा लग जाती है, नंबर आ जाते हैं, और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पंडित नहीं होते हैं। और बेईमान लोगों के जो भ्रष्ट लोग हैं, जिनके पास करोड़ों कमा के रहते हैं, बच्चे भले ही उनके बेवकूफ हो, नालायक हो, कम उनके नंबर हो मार्कशीट में, पैसे दे देते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो युवाओं का भविष्य बर्बाद, किसानों की हालत आपने अपन ने देख रखी, फसलों के दाम जो 10 साल पहले 15 साल पहले जो दाम किसानों के थे अनाज के, आज भी वही लगभग दाम वही है। जो चीज हम खरीदते हैं, किसान खरीदता या आम आदमी खरीदता, उसकी महंगाई बढ़ रही है। जो हम उत्पादन करते हैं, हम जो किसान लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग, पैसे बढ़ रहे हैं। आपके अगर लाइसेंस शस्त्र बंदूकें होगी लोगों के पास, उसको आप रिन्यू करवाने जाते हो, कितना बढ़ गया आपको पता होगा। पहले 100 रुपए में रिन्यूअल हो जाता था 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। अब 5 से 10 हजार 15 हजार रुपए आपको दिन, इस तरह से हर जगह उन्होंने डकैती डाल रखी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की अन्याय अत्याचार की जो सरकार चल रही है, गुंडागर्दी की सरकार जो चल रही है, अधिकारी कर्मचारियों को पहले संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करते थे अधिकारी कर्मचारी। सरकार किसी की भी रही, चाहे कांग्रेस की रही या भाजपा की रही, कलेक्टर हो, SDM हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो या कोई भी अधिकारी हो, अपने नियम से, मर्यादा से, कानून से काम करते थे। आज ये स्थिति है, कानून मानून और संविधान को रख दिया ताक में, कलेक्टर SP अपने कठपुतली बिठा लिए और दिन बोले, आज दिन में बोल रहा है, रात है तो रात बोल रहा है, रात में बोल रहा है, दिन है तो दिन बोल रहा है, वो चापलूसी करने में लगे हुए हैं। इन सबको जगाने के लिए, इन सबका होश ठिकाने लाने के लिए आदरणीय जीतू पटवारी जी, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। उज्जैन जिले के सभी नेताओं को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बिठाया, सबसे चर्चा करी, और चर्चा करने के बाद जिले के ग्रामीण किसानों के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, आज व्यापारियों की हालत ये है उज्जैन का कि डरा हुआ है, उनसे वसूली की जा रही है। नीतियों एवं हर वर्ग जो भाजपा की सरकार से परेशान है, उसको लेके आंदोलन किया जा रहा है, उसमें सब मुद्दे शामिल है, भाजपा की जन विरोधी नीतियों में सब मुद्दे शामिल है, और उसी को लेके ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे भी उनकी गति के विचार, तेरह तारीख के आंदोलन में हमारे प्रभारी रंजन पधारे, ब्यावर आंदोलन के जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे उज्जैन जिले के ग्रामीण अध्यक्ष भाई कांग्रेस, छह कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन मेहती, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश सिंह जी, गांधा ब्लॉक अध्यक्ष सिंह जी काचरिया, मेट्रो ब्लॉक से भाई भरत शर्मा जी, सेवा दल के अध्यक्ष जी साहब, ब्लॉक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी, गोरी करोलेकर जी, मेरे वरिष्ठ नेता आत्या जी, हीरालाल अन्ना जी, नेता साहब हमारे मेरे साथी भाई, क्या बोलूँगी आपको, मतलब मेरे, मतलब दिल से मैं याद हो रहा हूँ।
सलाम करूंगा, नमस्ते करूंगा कि कांग्रेस को एक बना के रखने में कांग्रेस का उसी वक्त साथ दे तो सबको एकत्रित करने वाले भाई आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सदारे सभी मेरे वरिष्ठ कांग्रेस के साथी साथियों, हम 5 तारीख के दिन भोपाल गए थे। हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पटवारी जी ने एक ऐसा आंदोलन मैं करना चाहता हूँ और वो भी आंदोलन में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही करना चाहता हूँ। वो एक अच्छा संदेश जाए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस जिंदा है, वो ताकत के साथ जिंदा है और अब हमारे पास होने को कुछ भी नहीं है, अब हमारे पास पाने ही पाने हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास करते हैं और यहाँ पर अगर हमने कोई बड़ा आंदोलन किया तो ये संदेश पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जाएगा और एक जो डर और भय का माहौल है तो उस डर और भय के माहौल को खत्म करने के लिए हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना है। तो उस आंदोलन से ये संदेश जाएगा कि मोहन यादव तो डरेगा ही डरेगा, ये अधिकारी और कर्मचारी भी भय से ग्रस्त हो जाएंगे। और इस डर इन अधिकारियों के अंदर बिठाने के लिए और सीएम के अंदर बिठाने के लिए ही 13 तारीख को हमने कार्यकर्ताओं से रूबरू हो और इस आंदोलन को सक्सेस करें। ये तो पटवारी जी ने बोला कि अब है क्या, 23 साल से कांग्रेस का कोई भी हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी के निर्देश अनुसार पधारे हमारे बड़े भाई रामचंद्र संतोष त्रिवेदी जी, हमारे पार्षद प्रदेश लाठिया जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। मैं आपको पूरा बता दूँ, हल्लापुर जो कार्यक्रम है इसमें सब विद्रोही जोड़े गए हैं, उसमें किसानों का भी है, गरीब लोगों का भी है। जो ये भूखी मेरी जो सरकार जो अनदेखी कर रही है और जो इनकी घोषणा पत्र के आधार पर इन लोगों ने जो हमारी जनता को वोट लिए हैं, लाडली बहन के नाम से वोट लिए हैं, आज एक हमारी लाडली बहन के नाम उसमें काटे जा रहे हैं। जो हर विधानसभा में से कम 25-30 हजार नाम इनने उनके काट दिए गए हैं, आज वो सब वंचित कर दिए गए। इसे धीरे धीरे सब नाम काट कर ये खत्म कर देंगे। पहले केस की नकली में इन्होंने ऐसा करा था कि हम सब्सिडी देंगे और आज सब गरीब लोगों की केस की नकली की सब्सिडी खत्म कर दी। तो ये इस टाइप से बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। आज किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के लाइट जो है इन्होंने लाइट के बिल बहुत बढ़ा दिए और जिसके 5 रुपये के कनेक्शन थे उनको बढ़ा के उनको बताएंगे और उनके 10-10 रुपये के कनेक्शन उन्हें घर बैठ के बढ़ा दिए। उनके बिल 10 रुपये के कम से कम ज्यादा 17,000-25,000-3,000 रुपये। ये सब उसके अंदर किसानों के लिए सब बहुत सारे मुद्दे जोड़ दिए गए हैं। जो एक सम्मान निधि जो है, वो जो सम्मान निधि के जो 2,000 रुपये जो मिल रहे हैं उसमें बहुत सारे को इन्होंने आधार लिंक से नहीं जोड़े और उनके भी बहुत सारे के नाम काट दिए गए। तो ये सब तमाम मुद्दे किसानों के भी हैं, जो गरीब भाई लोगों को जो टाइप से इनने जो घोषणा पत्र में किए थे उनको सबको वंचित कर रहे हैं। ये सब मुद्दे लेकर नगर पालिका के लिए सब व्यक्तियों के पूरा आंदोलन पूरा जिले का है, सभी का, उसमें व्यापारी लोगों को भी नहीं है, सबको लेकर उसका आंदोलन का पूरा रूपरेखा दिया है। इसलिए हल्ला बोले और कलेक्टर का इसलिए घेराव कर रहे हैं क्योंकि कलेक्टर जिस टाइप से जो एक तरफा जो मतलब चापलूसी टाइप काम कर रहा है, कलेक्टर इतनी किसी की सुन नहीं रहे है ना। खाली बस जो यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ के रहते हैं वो जो कहते हैं वही होता है, बाकी आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। आम जनता दर दर की ठोकर खा रही है। जन सुनवाई में भी आप जाओ तो जन सुनवाई में भी एक व्यक्ति का कोई का काम नहीं हो रहा है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने ये बेड़ा उठाया है कि सब कांग्रेस से इकट्ठा होकर ये गुंगी बेरी सरकार है, इसको एक हल्ला बोल के नाम पर इनको सबको जगाना है। और ये डॉक्टर मोहन यादव जी वो पहले उस समय लगा था कि मोहन यादव जी बने तो अपने शहर का कोई विकास होगा और अच्छी बात है कि काम होगा और ये होगा, पर आज हमारे शहर की क्या स्थिति इनने कर
किस विषयों को लेकर रखे गए, क्या है पूरा मामला? आज की जो बैठक कांग्रेस के मेहतपुर विधानसभा क्षेत्र की रखी गई है हमारे विधायक की और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, उसका उद्देश्य ये है कि 13 तारीख को उज्जैन में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उनके परिवार के द्वारा, उनके भाई के द्वारा एक ट्रेलर सरकार उज्जैन में चलाई जा रही है। भोपाल की सरकार मोहन यादव जी चला रहे हैं और उज्जैन जिले की सरकार उनके भाई चला रहे हैं। उज्जैन जिले में जिस तरह से लूट खसोट मचा रखी है, शराब की सारी दुकानों पर कब्जा कर लिया है, शराब माफिया बन गए, भू माफिया बन गए, जितने भी रेती गिट्टी मिट्टी उस पर कब्जा कर लिया है और जन लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब क्यों हफ्ता वसूली की जा रही है और किसानों के लिए, युवाओं के लिए इस सरकार ने जो काम नहीं किए, हर तरह से जो घोटाले किए, सबकी आवाज़ बुलंद करने के लिए एक जंगी प्रदर्शन कलेक्ट्रेट का घेराव करके जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं उनके नेतृत्व में, पूरे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में उज्जैन जिले के हजारों हजार कार्यकर्ता उसमें भाग लेंगे और इसका घमंड मोहन यादव जी उनके परिवार की तरह जो आतंक मचाया जा रहा है उज्जैन में और उज्जैन के लोगों के खिलाफ, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस एकजुट होगी। मेरी सरकार है इसके उद्देश्य पर बहुत बड़ा जंगी प्रदर्शन हमारा उज्जैन होने जा रहा है, हम कलेक्टर का घेराव कर रहे हैं, इसलिए आज इस संबंध में कार्यकर्ताओं से आज चर्चा करी है, क्योंकि 13 तारीख के दिन सब कार्यकर्ताओं से बात करके विधायक जी ने रोज हमारे कांग्रेस मिलाकर अध्यक्ष से और हमने एक मीटिंग रखी और इसके माध्यम से 13 तारीख के दिन हम बहुत बड़ा जंगी प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि जो गुंगी मेरी सरकार है, जो आज हमारी लाडली बहन के नाम पर इनकी सरकार बनी, जो आज हमारी लाडली बहन को वंचित कर रहे हैं, जैसे कि किसान भाइयों के 5 रुपये के जो कनेक्शन थे उनके, इनने घर बैठकर विद्युत मंडल ने बढ़ाकर 10 रुपये कर दिए और हमारे एक किसान जो गरीब लोग हैं उनको बिल जो 100 यूनिट माफ करने की बात करी, 150 यूनिट उनका बिल माफ नहीं हो रहा है और उनका बिल बढ़ा के दे रहे हैं, किसी की गाड़ी खींच रहे, किसी का कर रहे हैं, ऐसे केक मतलब जो आंदोलन करके इसको रूपरेखा करके बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उसमें हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और बड़े नेता आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं, तो बाकी तरुण यादव जी भी आ रहे हैं, बाकी 2-3 नेताओं के भी वो चल रहा है, वो नाम क्लियर नहीं हुआ है, बाकी करीब करीब सभी बड़े नेता लीडर सभी उज्जैन में आएंगे और थोड़ा आंदोलन।